अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे इन द व्लॉग। मेरे ख्याल में ये मैं 2-3 दिन बाद इस तरीके से लाइव व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। इतने दिन से वॉइस ओवर और डिफरेंट वीडियोस शूट करी थी, क्योंकि बंदा व्लॉग्स देख देख के भी बोर हो जाता है। तो बाय द वे, खैर अभी जल्दी से अपना बेड बना लेते हैं, फिर आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम किया, शायद आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा। बट व्लॉग देखते रहें और मेरी बातें सुनते रहें और इन्जॉय करते रहें। और जल्दी से पहले रूम को सेट कर। अच्छा जी, तो पहले मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत काम किए, फिर मैंने सोचा जल्दी से अपना बेड बना लूं। ठीक है, बेड मेरा यहाँ पे बन गया था। मैंने सोचा कि अम्मा के घर जाने से पहले मुझे अपनी कबर्ड क्लीन करनी है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखी हैं। हैंगिंग वाले कपड़े और कुछ कपड़े वॉश होके आए थे, इतने दिन से कबर्ड मैंने क्लीन ही नहीं की। कबर्ड को जितना भी क्लीन कर लो ना यार, आप लोग हमेशा जो है ना वो ख़राब ही रहती है। हैंग वाले कपड़े सही रहते हैं, लेकिन जो तह लगा के रखे होते हैं ना, कसम से वो कपड़े तो हमेशा ही आपके ख़राब रहते हैं। तो हैंगिंग वाले भी मेरे इस दफ़ा ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरी कबर्ड में इशू आ हुआ था, तो हाफ साइड कबर्ड का ना खुलता ही नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने वो ठीक वगैरह करवाया, और फिर जितने भी वो तह वाले कपड़े थे वो सारे मैंने तह लगाए, और आप लोगों को लग रहा होगा बड़े फट से मैंने ये काम कर लिया, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। ये मेरे डेली बेसिस पे घर पहनने वाले शलवार कमीज़ हैं, फ्रॉक्स हैं, और नीचे सेशन में मैंने टी शर्ट्स वगैरह रखे, और ये सारे फॉर्मल ड्रेसेज हैं जब कहीं आना जाना होता है या पार्टी वेयर है। तो ये सारे मैंने हैंग करके रख दिए, बाकी कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए जो मुझे नहीं पहनने थे और जो मुझे साथ लेके जाने थे। ये भी ड्रेस मुझे नहीं पहनना था, पीआर वाले हमेशा सारे ड्रेसेस मैं जो है ना वो दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पहनती। और फिर यहाँ पे मुझे अपनी वीडियो बनानी थी, तो मैं तैयार होने लगी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ। मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया मिस्ट्रोस का, ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है कि मेरी स्किन अनइवन है और कहीं पर स्पॉट वगैरह है, तो वहाँ पर मैं जो है ना वो लगा लेती हूँ क्लिंजर कह रही हूँ कंसीलर, और उसको अपने हाथ के साथ ही ब्लेंड कर लेते हैं। अब चाहें तो ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो अपने हाथ की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हाथ से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं बहुत ज़्यादा कभी भी फाउंडेशन या कंसीलर नहीं लगाती। देखिए, मैंने लगा ली और यहाँ पर कंसीलर मेरा सेट हो गया था। अब मैं कोई भी फेस पाउडर लूँगी, यहाँ पर मैं मेबेलिन का यूज़ करी हूँ, फिट मी वाला, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फेस पाउडर है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो अच्छे से मैं अपने फेस पे सेट कर लूँगी, देन मैं अपने आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी। आईब्रोज़ मेरे बनने वाले हैं, काफ़ी ख़राब हो रखे हैं, तो बस मैं इनको खुद ही अभी घर में जो है ना वो 1-2 दिन में सेट करूँगी। मैंने सोचा अम्मा के घर जो है ना जाके सेट कर लूँगी, अभी तो यहाँ पे कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, तो मैं वेकेशंस पे जाऊँगी, समझे आप, कोई इंस्टा का काम नहीं करूँगी। इंस्टा के काम का बड़ा प्रेशर होता है, तैयार हो, फोटो लो, वीडियो लो। और यहाँ पर मैं टेंट यूज़ करूँगी, मुझे PR आया था और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। वैसे मैं नॉर्मली कैंडी टेंट यूज़ करती हूँ, मैं आपको आगे दिखा भी दूँगी वो वाला टेंट, और ये टेंट भी काफ़ी अच्छा था। वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको ब्रश के साथ ब्लेंड किया था तो ये इजीली ब्लेंड हो रहा था। यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ की हुई थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं रगड़ रगड़ के ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इजीली ब्लेंड हो रहा था। यही मैं अपने जो है वो चीक्स पे और लिप्स पे लगा लूँगी। देन फिर मैंने हाईलाइटर लिया, लिक्विड हाईलाइटर, ये भी मुझे PR ही आया हुआ था ना, तो ये लगा लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरे आइज़ के थोड़े से लग गया था आइज़ के पास, लेकिन फिर मैंने इसको सेट कर लिया और इससे बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है, बहुत अच्छा ये हाइलाइटर है। और लास्ट में मैं लगाऊँगी मस्कारा, और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और ये देखें आप, जब आपको वीडियो शूट करनी होती है ना, तो इतनी सारी चीज़ों का मैस जो है वो फैल जाता है। मैंने मेकअप किया, 2 वीडियोस मैंने शूट की, एक स्किन केयर वाली है जिसकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, फिर एक और इंस्टा की वीडियो शूट करनी थी, वो वीडियो शूट की, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो फैली हुई हैं। ये मैंने शेड्स निकाले थे, मेरे पास आए थे ये, इसका मुझे रिव्यू देना था, इसके साथ मुझे पिक्चर वीडियो लेनी थी, और साथ मैंने अपना ये नया वाला बैग निकाल लिया था। आज मैंने कहा जाना तो बंदे ने कहा ही होता है, चलो मैं ये घर इसमें सामान रख के मैं ले जाती हूँ। और मैंने सोचा था आज मैं स्किन केयर करूँगी, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें अपने साथ रख लेंगे, चलो मैं रात में जब फ्री होंगी अम्मा की तरफ जाके तो स्किन केयर कर लूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई जो है ना वो अच्छी वाली स्किन केयर अपनी की नहीं है, तो फिर जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो मैंने रख ली। उसके अलावा मैंने कैंडी टेंट भी रख लिया, क्योंकि कैंडी टेंट वो टेंट है जो मैं डेली बेसिस पे लगाती ही लगाती हूँ, बोलते बोलते वॉइस ओवर करते करते गले में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक आवाज़ इतनी अजीब सी आ जाती है।
तो बस मैं जा रही हूँ अभी वीडियो शूट करने। तो ये देखें, ये है कैंडिडेंट, ये आपको इजीली दराज से मिल जाएगा। मैंने भी दराज से लिया, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप दराज से ले सकते हैं। और इसकी प्राइस भी देखें, सिर्फ 200 में आपको दो टेंट मिल जाएंगे और आपके 2-3 महीने गुजर जाते हैं ईजिली। और ये इसका कलर है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आप चाहें तो हाथ के साथ ब्लेंड कर लें, चाहें तो ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें और उसको लिपस्टिक, फिर जो है लिपस्टिक टेंट लगा के लिपस्टिक थोड़ी बहुत सेट कर लें या ब्लशन सेट कर लें, तो बड़ा ही ज़बरदस्त टेंट है। मैं लिंक लगा दूँगी, आप लोग दराज से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं त्यार शहर होके ऊपर गई थी, वीडियो शूट की थी इंस्टा की, और पीछे मेरी हेल्प करने वाली भी आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट किए और मैं यहाँ पे फ्रूट्स खा रही थी। और यहाँ पे 7 बजने वाले थे ऑलमोस्ट, और वसीम आज गए हुए थे इंटरव्यू के लिए हैदराबाद, तो उन्होंने आना था लेट। मम्मा लोग भी आज हैदराबाद गए हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए फ्रूट वगैरह कट किया और बस फ्रूट वगैरह खा के फिर मैं जाऊँगी मामा के घर पे। और फ्रूट्स मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बताया मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फ्रूट्स के सारे फ़ायदे मैंने स्किन केयर वाली वीडियो में आप लोगों से A to Z सारी बातें शेयर की हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो और आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं फिर रात में अम्मा की तरफ जाऊँगी, अम्मा लोग गए हुए थे हैदराबाद और मैंने कहा वो लोग आ ही जाएँ तो फिर ही मैं जाती हूँ। अम्मा का डॉक्टर का टाइम था तो अम्मा डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो वो लोग आते हैं फिर मैं जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी और ये मैंने जो ड्रेस पहना है ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को दिखाया, मैंने ईद पे पहना था, ये जलबरी से मैंने लिया था। और इसके साथ मैंने फिर वाइट दुपट्टा ले लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास दुपट्टे का, स्लीपर मैंने वही रहने दिए। लाइटें शाइटें हम बंद करते हैं और हम चलते हैं अम्मा के घर। अम्मा की तरफ आ गए तो अम्मा लोग मेरे लिए लाए थे मैकडोनल्ड्स का बर्गर, और यकीन करें कि मतलब वैसा टेस्ट नहीं रहा बिना, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा बर्गर का, मतलब जैसा टेस्ट होता है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, लेकिन मैं एक अपना रिव्यू दे रही हूँ। तो मैं क्योंकि कोई था ही नहीं घर पे, तो अम्मा ने कुछ बनाया भी नहीं था, आए अम्मा लोग रात में थे, तो फिर आते हुए मेरे लिए जिंगर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे, तो फिर मैंने यही खा लिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ, हमारे घर में तो पता ही नहीं लगता दिन है कि रात है, वो पूरा घर बंद बंद है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा इतने ज़्यादा वो जीत छोटे छोटे होते हैं ना वो हो रहे थे, लाइट यहाँ पे जल रही थी, आप देखें दीवार पे कितने ज़्यादा ये हो रहे थे। तो यार प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो है ना वो जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनका ख्याल रखें, उनको मोस बेल या कोई इस तरह की क्रीम्स भी लाजमी प्रोवाइड करें ताकि वो मच्छर से महफूज रहे हो सके। तो अपने जो भी आपके घर काम करते हैं या जिनको भी आप जानते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मच्छरदानियाँ लेके दे दें ताकि वो लोग महफूज रहें। और यहाँ पे वॉक करते करते अचानक मेरे पाँव में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब मोच आ गया, मुझे दर्द होने लग गया। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने टैबलेट ले ली, बस को मान था घर पे, और उसके साथ मैंने कहा चलो जूस के साथ मैंने कहा थोड़ी ले लो तो शायद थोड़ा सेट हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे ना मेरा पाँव ये वाला स्वेल होना शुरू हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेन होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, मैं सो गई थी और ये सुबह उठी हूँ तो अभी भी यहाँ पे पाँव पे स्वेलिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी हो रखी और मुझे जो है ना काफ़ी पेन हो रहा था। तो मैंने कहा अच्छा यार ये आते ही क्या हो गया, चलो अच्छा है मेरी वेकेशन पर आई हो तुम रेस्ट करो आराम करो। तो अब भी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, रात मैं सोई भी लेट ही थी, ऑलमोस्ट मैं सोई हूँ रात कोई 3:30 बजे और यहाँ पर मैं अभी उठी हूँ 2:05 हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलो मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, बाहर तो जाना नहीं है। तो मुझे याद है मैं तो अपना सनब्लॉक भी नहीं रख के ले गई, फिर मैंने कहा यार तुमने बाहर कहाँ जाना है वैसे भी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ दोपहर का खाना, अम्मा ने बनाया था। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी और ऐसे ही आप लोगों को अपना हाथ दिखा रही थी और अम्मा लोग यहाँ पे देख रहे थे गुड्डू ड्रामा, तो मुझे बस ठीक ठीक लगता है इतना मैं नहीं देखती। तो आज हमारे घर बना था पुलाव, तो मैंने कहा कि चलो हम भी पुलाव खाते हैं। और रात को मैंने सम्मी देखना शुरू किया था, आजकल मैं पाकिस्तान के सारे पुराने पुराने ड्रामे देख रही हूँ, लेकिन मेरा जो मोस्ट फेवरेट ड्रामा है ना वो मैं आपको बताती जाती हूँ, उडारी, बागी और परीजाद, ये मेरे मोस्ट 3 जो है ना फेवरेट 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 ड्रामाज हैं। और फिर मैंने कहा कि चलो अम्मा लोग इधर अंदर बाहर देख रहे हैं, मैंने अंदर जाके सोचा कि चलो मैं लगा लेती हूँ सम्मी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
सम्मी देखना, मैंने पहले नहीं देखा हुआ सम्मी। और आप लोग उडारी देखिएगा, बागी देखिएगा, उसमें सबा कमर की एक्टिंग बड़ी अच्छी है और उडारी की तो स्टोरी बड़ी अच्छी है। परीजा तो आप लोगों ने देखा होगा, वो अभी कुछ टाइम पहले आया है। तो फिर यहाँ पे जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं और मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मेरे पापा ने मैच नहीं देखा था, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का, पाकिस्तान जीत गया, वाह नसीम शाह वाह, वी लव यू सो मच। तो मेरे पापा रिपीट में वो मैच देख रहे हैं और मैं पास ही बैठे वॉइस ओवर कर रही हूँ अपना। और यहाँ पर मैं छोटे को तंग कर रही थी कि तुम्हारे दांत कौन ले गया कौन ले गया। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और अपनी वेकेशन से इन्जॉय करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत से ख्याल रखिएगा।